अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता तो आप इनके कॉपी से सीखिए। इनको 100 में 96 नंबर मिला है, 96 मार्क्स मिला है, 100 में 96 नंबर मिला है, समझ रहे हैं, चार ही नंबर इनका कट हुआ है। इनके कॉपी से आप सीखिए, कुछ सीखना है, एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता तो इनके कॉपी से सीखिए, क्योंकि ये स्टूडेंट बिल्कुल आपके जैसा ही, इनको भी कुछ भी आता जाता नहीं था लेकिन 100 में 96 नंबर ला के सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इन्होंने बस वो लिख दिया है जो इस वीडियो में आपको हम लिखने बताएंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता तो आप भी वो लिखकर एग्जाम में आ जाना है। क्या लिखना है, जो इन्होंने लिखा है वही आप भी लिख के आ जाएंगे तो आपको भी 100 में 60 नंबर से ज्यादा ही मिलेगा, 80 90 नंबर 96 नंबर भी आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, होशियारी करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आपको 90 नंबर से ज्यादा मिलेंगे 100, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये मेरा ही स्टूडेंट है। ये कॉपी जो दिखा रहा है आपको, ये कॉपी पिछले साल की है और ये वीडियो में जो बता रहा हूं वो मैं पिछले साल बता चुका था, ये मेरा ही स्टूडेंट है। इन्होंने वो लिख दिया है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है, आपको डर लगता है एग्जाम से, सोचते रहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपको बस अपने मैथमेटिक्स के पेपर में एग्जाम में ये लिख कर आ जाना है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो इन्होंने ये कॉपी में लिख कर आ गया है वही लिख कर आपको भी आ जाना है, आपको भी 92 नंबर 93 नंबर 95 नंबर मिलेंगे। इनको देखिए, ये स्टूडेंट एवरेज है, पढ़ने लिखने में ना तो कमजोर है ना तो तेज है। इनको कितना आना चाहिए 100 में, आना चाहिए वही 55 60 70 नंबर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, समझ रहे, इससे कम भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये एवरेज है। इनको 100 में मात्र 33 नंबर देके पास किया गया है, समझ रहे, एवरेज है, क्योंकि इनके कॉपी में वो चीज नहीं लिखा हुआ है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर ये भी वो चीज लिखकर आ जाता कॉपी में तो इसको भी 90 नंबर से ज्यादा मिलता, समझ रहे। अगर आप पढ़ने लिखने में कमजोर हैं या तो तेज विद्यार्थी हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये लिखकर आ जाना कॉपी में, आपको 90 नंबर से ज्यादा मिलेगा। इनको देखिए, इनको फेल कर दिया गया है, गणित में ये फेल है, इनको भी कुछ आता जाता नहीं था, बिल्कुल आपके जैसा ही है, इनको गणित में कुछ भी नहीं आता था, ये फेल हो गया। बताइए क्यों, क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये मेरा वीडियो भी नहीं देखता था, ये वो लिख कर नहीं आया है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो इन्होंने जो लिखा है 92 नंबर, इसको कितना 96 नंबर मिला है, 100 जो 96 नंबर मिला है इन्होंने वो लिखा है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तभी इनको 96 नंबर मिला है। अगर नहीं लिख के आता तो इनको भी वही 33 नंबर, ये फेल भी हो सकता था, समझ रहे हैं। ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि इनके कॉपी में वो चीज नहीं लिखा हुआ है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपको ये लिख कर आ जाना है अपने कॉपी में, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, मुझको याद कीजिएगा एग्जाम के बाद कि अच्छा हुआ मैं गुलशन सर की वीडियो देख लिया और मैं फेल होने से बच गया और हम 90 नंबर से ज्यादा ला लिया, समझ रहे हैं। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं वीडियो को तो वही 60-65 नंबर ही लाएंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कुछ भी नहीं देखते हैं तब फेल हो जाएंगे, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तब तो आप 90 नंबर से ज्यादा लाएंगे, समझ रहे हैं, इस बच्चे की तरह। देखिए, एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे देने जाते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे का गणित कमजोर रहता है, मैथमेटिक्स कमजोर रहता है, तो फेल हो जाता है, क्योंकि वो मेरा वीडियो नहीं देखता होगा, फेल हो जाता है, समझ रहे हैं, मुश्किल से पास होता होगा। लेकिन आप इस वीडियो पे आ गया है तो खुद को लक्की ही समझिए, खुद को लक्की समझिए, जी हाँ, खुद को भाग्यशाली समझिए। आपको बस ये लिखकर आ जाना है एग्जाम में और कुछ नहीं करना है, मैं जो बताऊंगा वो लिखकर आ जाना है, उसके बाद देखिए आपको 90 नंबर से ज्यादा नंबर मिलेंगे। आपको यहाँ पे सब कुछ सिखा देते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर, आप कह नहीं सकते हैं कि सर मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बताया, सबको बताऊंगा। देखिए, ढेर सारा क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, ढेर सारे क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। अब आपके एग्जाम में इस तरह के छोटा वाला क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको बस ये लिखकर आ जाना है अपने कॉपी में। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन आते हैं, बड़ा साइज के क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता है, एग्जाम में बैठ गए और क्वेश्चन पेपर दिए गए, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आता है, तो आपको ये लिखकर आ जाना है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। गारंटी मेरी है कि आपको 90 नंबर से ज्यादा मिलेगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के रंग बिरंगे वाला क्वेश्चन आता है, पीला हरा नीला ब्लू गुलाबी जैसा भी कलर का क्वेश्चन आता है, छोटा साइज का कलर में क्वेश्चन आता है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो लिखकर आ जाना है एग्जाम में। मान लीजिए आप एग्जाम देने के, आप
आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन पेपर दिए गया है और आपको कुछ भी नहीं आता है मैथमेटिक्स के पेपर में, माथा पे हाथ रखेंगे बोलेंगे अब हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हम आपको फेल होने से बचा लेंगे। आपको बस ये लिख कर आ जाना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके एग्जाम में इस साइज के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए है। बस इस वीडियो को देखकर सीख लीजिए कि आपको क्या लिखना है जिससे कि आप फेल होने से बचेंगे और आपको अच्छा खासा नंबर मिलेंगे। एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे। इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि सर मुझे मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता, सर मुझे फेल होने से बचा लीजिए, सर ये काफी है जो मुझे फेल होने से बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बच्चे ने कॉमेंट किया है मैथमेटिक्स को लेकर कि सर मुझे गणित में कुछ भी नहीं आता, मैं एक बार गणित में फेल हो चुका हूं पहले, इस बार भी डर लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इसीलिए मैंने सोचा चलिए आप सभी के लिए एक वीडियो बना दिया जाए और बताऊंगा कि आपको क्या लिख कर आना चाहिए जिससे कि आप फेल नहीं होंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे आइए सीख लीजिए अच्छे से। तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर देखिए आपके सामने है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है और ये भी मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। इन सभी में बताएंगे कि आपके एग्जाम पेपर में जैसा भी क्वेश्चन रहे, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम रहे, नहीं जानते रहेंगे, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, उसका हल कैसे करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन है, या तो आपके क्वेश्चन पेपर जैसा भी हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो उन क्वेश्चन पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, एक एक करके आपको सिखाते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि क्या लिखेंगे आप। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके पेपर में दिए गया, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन दिए गया, या तो आपके एग्जाम पेपर में जैसा भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, ठीक है, या तो एक दो क्वेश्चन का आंसर तो जानते रहेंगे, तो सबसे पहले उसका यहाँ पे आंसर शीट में लिख देंगे। अब जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, जैसे कि आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, चलिए एक पल के लिए मान लीजिए, तो ये कितने नंबर का है, 4 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके क्वेश्चन जितना भी मार्क्स का रहे तो ये आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे इजी तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये ब्लैक पेन लेके जाना है परीक्षा में, ठीक है, और एक ब्लू पेन ले लेना है और एक स्केल ले लेना है। इतना लेने के बाद आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से लिखिएगा, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या। स्केल लेके ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अच्छे लगेंगे देखने में, ठीक है, करना जरूरी है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, देखिए लिख दिया ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन का काम कंप्लीट, प्रश्न से ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग से यहाँ पे क्वेश्चन में कि ज्ञात करें, हम क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है कि, ठीक है। तो चलिए लिखिए प्रश्न से, यदि सॉरी यहाँ पे एक बार हल लिख दीजिए, हल हल, ठीक है, यदि जो जैसा है वैसे ही a बराबर और यहाँ पे क्या है 2 5 3 1 इतना, तथा सभी क्वेश्चन पेपर में लेके आपको हम बताएंगे, ठीक है। आप आ गए हैं वीडियो पे तो अच्छे से देखिए, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है भाई, हम बार बार कहते हैं। तब थोड़ा टाइम दीजिए वीडियो पे और अच्छे से सीखिए। तब ए बराबर, क्योंकि एग्जाम वाली बात है और ये मैथमेटिक्स का पेपर है, तथा ए माइनस बी ज्ञात करना है, यहाँ पे ए माइनस बी ज्ञात करना है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पेपर में, ज्ञात करे हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, क्वेश्चन पेपर का काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे नोट किया, अब हम क्या करेंगे, जो जो गिवन है मतलब जो दिया है उसी को ना यहाँ पे अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है, लाइन वाइज लाइन। जैसे पहले इसको लिख देते हैं कि चूंकि ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है यहाँ पे 2 5 3 1 ऐसे, फिर b का मान दिया है यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, b का मान ऐसे,
एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग का एक भी नंबर कट नहीं होंगे। ये लिख दिया ये और ये, अब देखिए तब कहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान निकालने, तो अब यहाँ पर लिखेंगे तब, तो जैसे है वैसे आप लिख दीजिए क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तब यहाँ पे क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तब ए प्लस बी तथा ए माइनस बी इस तरह लिख दीजिएगा, इतना ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका रास्ता अपने आप बनते जाएंगे। सबसे पहले देखिए a प्लस बी है, उसके बाद ये पहले वाला यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, लिख दिया। अब देखिए a का मान क्या है, a का मान ये है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है, ठीक है। a का मान ये रहा, बैठा दीजिए 2531 छाप देना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए। आपके क्वेश्चन पेपर जैसा भी हो परीक्षा में आपको इसी तरह से करना है। अगर आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए वीडियो पे, आपको हम 3-4 क्वेश्चन पेपर ले लेके अच्छे से सिखा देंगे, तब आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए ये हो गया, उसके बाद इसका काम हो गया। अब इसका काम करेंगे a माइनस बी बराबर, तो a का मान ये रहा, ये 2531 लिख दिया ऐसे, क्या है माइनस है तो माइनस, b का मान ये रहा कितना 1562 ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमको कहता है ये और ये ज्ञात करने क्वेश्चन में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं एक बार, देखिए a प्लस बी और ए माइनस बी का मान निकालने बोल रहा था, यही तो हमने निकाल दिया ना, निकाल दिया। देखें आप कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी आप इसको सॉल्व कर दिया, देखें आप कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी आपने इसको सॉल्व कर दिया, वो भी सही सही किया। आपको 4 के 4 नंबर दिए जाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहो तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए, लास्ट में लिखिए अतः, तब पूरा होंगे आंसर। अतः क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन ये जो हम लिखे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे खाली लिख देंगे ज्ञात कर दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, कि यहाँ पे था ज्ञात करें कि, अब लिखेंगे कर दिया, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे। यदि a बराबर, यहाँ पे लिखिए आता, यदि a बराबर 2531 तथा b बराबर 1562 जैसे है, तब a प्लस बी और यहाँ पे क्या है तथा a माइनस बी, ठीक है, इतना ज्ञात कर दिया, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ज्ञात कर दिया। देखिए अब आपको 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे, देखिए कितना इजी कर दिया मैंने, ट्रिक लगा लगा के, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं आता था तो आपको 0 नंबर मिलने वाला था, आप फेल हो जाते हैं ऐसे में, लेकिन अब आप फेल नहीं होंगे। देखिए ट्रिक लगा लगा के आपको 4 के 4 नंबर दे दिए जाएंगे, यहाँ तक लिख देंगे तो, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहो तो, अगर आपको जोड़ घटाव आता है तो आप क्या कीजिएगा, इसको भी जोड़ दीजिएगा, देखिए प्लस यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। अगर आपको जोड़ आता है, प्लस करने आता है, गुना भाग आता है तो, और कुछ भी नहीं आता है मैथमेटिक्स में तब यहीं तक रहने देंगे, अगला क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं। लेकिन जिसको जोड़ आता है तो वो क्या करेंगे, ये कोना वाला, ये कोना वाला मतलब पहला कोना में जोड़ देंगे, 2 जोड़ 1 कितना होगा, 3 होगा। फिर ये जो दूसरा कोना है पीछे वाला, ई कोना और ई कोना को दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ई कोना और ई कोना मतलब ये पहला कोना कितना होगा, 9 हो गया। अब यहाँ पे 1, ये कोना 1 जोड़ 2 3 हो गया, इस तरह से। अब ये घटा देंगे, अगर आपको घटाव आता है तो ई कोना वाला में तो 2 माइनस 1 कीजिएगा कितना, 1 होगा। 5 माइनस 5 कीजिएगा 0 होगा। 3 माइनस 6 कीजिएगा तो -3 होगा। 1 माइनस 2 कीजिएगा तो -1 होगा, ठीक। अगर आपको घटाव आता है तो ये करना कोई जरूरी नहीं था, ठीक। आप चलिए आगे के क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आता है, ये आता है, ये भी आता है, चलो अच्छी बात, आपको ये भी आता है, लेकिन जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आता है, ये तो आपको अगर ये सब भी नहीं आता है तो इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए चलो इन्होंने ये जवाब दिया है, चलिए आपको मान लीजिए ये नहीं आता है, यही क्वेश्चन पेपर का मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता है इसका, तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए आपको ट्रिक सिखाते हैं। देखिए आंसर शीट का पेज पलटेंगे इस तरह से,
ऐसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ब्लैक पेन और स्केल लेना है। सबसे पहले ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या इस तरह से लिखेंगे और ऐसे देंगे क्या है आठ है, प्रश्न उत्तर संख्या आठ है इस तरह लिखेंगे और स्केल लेके ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हल लिख लेंगे। अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता तो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे इंस्टाग्राम पे कहते रहते थे सर मुझे गणित में कुछ भी नहीं आता कुछ भी नहीं आता, ठीक है तो मैंने सोचा चलो सब कुछ बता देता हूँ आप लोग को, फेल होने से बचा लेता हूँ। अब क्या मैंने बताया कि प्रश्न से क्या लिखना होता है, प्रश्न से देखिए ब्लैक पेन से लिखा गया धोखा से तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मिस चलता है। अब ब्लू पेन लेंगे। अब आपको यहाँ पे यदि ये पूरे लिख देंगे छाप देंगे यहाँ तक, बस यहाँ लिखेंगे खाली मान निकालने की जगह पे मान निकालना है, बाकी वही लिखेंगे क्या है यदि ए, अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ए है, ऊपर में क्या है तीर चिन्ह है, सभी में देखिए तीर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है तो तीर चिन्ह मान लीजिए ये क्या है आपको नहीं जानते हैं तो तीर चिन्ह पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपको दिखेगा वही बोलेंगे ना ये क्या है, ये जो भी है आपको नहीं जानते हैं लेकिन क्या दिख रहा है कैसा दिख रहा है, गुना जैसा दिख रहा है, जैसे गुना भाग जोड़ होता है ना उसी तरह ये गुना जैसा दिख रहा है, तो इसको गुना आप लोग पढ़िएगा, ठीक है बस आपका काम बनना चाहिए, आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको नंबर मिल जाना चाहिए, ठीक है बस इतना ही आपका काम है। तो ए ऊपर में क्या है तीर चिन्ह है बराबर है, आई ऊपर में क्या तीर चिन्ह है माइनस टू, जे ऊपर में तीर चिन्ह माइनस थ्री, के ऊपर में तीर चिन्ह और यहाँ पे ऐसे ऐसे है यहाँ पे देख देखिए यहाँ पे फिर बी का मान दिया है, बी ऊपर में तीर चिन्ह बराबर दू आई प्लस जे माइनस के, सब के ऊपर में तीर चिन्ह लगाइएगा, तीर चिन्ह भूलिएगा नहीं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तथा तथा सी ऊपर में तीर चिन्ह बराबर आई ऊपर में तीर चिन्ह प्लस थ्री जे ऊपर में तीर का चिन्ह यानी निशान, जैसे हो ऐसे लिखिएगा तो एक गुना बी गुना सी और इन दोनों को ब्रैकेट में रख के ऊपर में तीर चिन्ह दे दीजिए, इतना का मान निकालें क्वेश्चन में तो है, ठीक है हम क्या लिखेंगे निकालना है निकालना है, ठीक है अब क्वेश्चन का काम हो गया। अब इसी से देखिए क्या हमने बताया कि जो जो दिया है उसको अलग अलग करके लिखना है, पहले क्या दिया है ए का मान दिया है बी का मान दिया है सी का मान दिया है, तो लिखिए यहाँ पे चूंकि ए ऊपर में तीर चिन्ह बराबर आई माइनस टू जे माइनस थ्री के, ऐसे जैसे है वैसे, ठीक है अब ये दिया है बी का मान तो बी का मान लिखेंगे जैसे है वैसे, तीर चिन्ह देना छूटना नहीं चाहिए, जैसे वैसे छापना है आपको सिर्फ, ठीक है आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा इस तरह। और दिया है सी का मान, ठीक है तो सी ऊपर में इस तरह से आई प्लस थ्री जे माइनस टू के, ठीक है ऐसे इस तरह लिख लिया। अब क्या दिया है तो इतना का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए तो ए गुना बी गुना सी ऐसे ऐसे इतना का मान निकालना है इस तरह लिखिएगा। अब देखिए यहाँ अब क्या अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आता होगा, नहीं समझ आ रहा है तो आज अच्छे से सीख लीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगा लगा के आपको सिखा देंगे, ठीक एकदम ट्रेंड बना देंगे, देखिए एग्जाम में आप फेल नहीं होंगे इतना याद रखिएगा, गुलशन सर को याद कीजिएगा परीक्षा के बाद कि अच्छा हुआ गुलशन सर ने मुझे बता दिया और मैंने वीडियो देख लिया। चलिए अब क्या है यहाँ पे देखिए ए है पहले, ठीक है पहले इसको एक बार लिख लेते हैं ए गुना बी गुना सी ऐसे लिख लिया मैंने, चलिए ऐसे लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे बराबर देंगे, अब पहले ए है ठीक है तो ए का मान यहाँ लिखेंगे, ए का मान ये रहा भाई साहब, ए का मान क्या है आई है माइनस टू जे है माइनस थ्री के है, सबके माथा पे ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। अब क्या है गुना है तो गुना यहाँ पे देंगे, अब क्या है बी का मान क्या है ये रहा तो यहाँ पे लिखिएगा टू आई प्लस जे माइनस के, ठीक है ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है ये भी गुना है, ठीक है तो यहाँ पे गुना दीजिएगा ऐसे। अब यहाँ पे सी का मान देखिए सब का मान रख दीजिए, बहुत इजी है ठीक है
इतना ही ट्रिक, ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, फिर ऐसे कर लीजिएगा, बस हो गया, हो गया, सबको ब्रैकेट में रखने, हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, अतः लास्ट में, अतः क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, ठीक है। खाली निकालना है कि जो मतलब क्वेश्चन में था निकालें, तो हम यहाँ पे लिखे निकालना है, अब वो लिखेंगे निकाल दिए, ठीक है। लिखिए अतः, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन उतारे थे, यहाँ पे निकालना है, लिखे, अब यहाँ पे लिखेंगे निकाल दिए, सेम टू सेम। अतः यदि ए बराबर आई माइनस टू जे, आप थोड़ा सब्र बना के, धैर्य बना के वीडियो को रुकिए, आज सीख लीजिए, परीक्षा वाली बात है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो बाद में फेल हो जाएंगे, मुझे मत कहना कि गुलशन सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है। इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ, तो आप भी अच्छे से सीखिए। तथा सी बराबर यहाँ पे आई प्लस थ्री जे माइनस टू के, जैसे जैसे दिया है तो ए गुना बी गुना सी, और ऐसे ऐसे इतना का मान निकाल दिया, निकाल दिया लिखेंगे, ठीक है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ भी नहीं मालूम था, था मालूम बताओ, नहीं था ना। लेकिन अब देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख दिए इतना, तो चार के चार नंबर दे दिए जाएंगे आपको, जबकि आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं जानते थे भाई, ट्रिक लगा लगा के निकाल दिया। तो मैंने कहा कि आप ये लिख देना अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर में हम आपको ट्रिक बताते हैं, सिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पेपर जैसे कि हम क्या लूं, जैसे कि हम आपको ये ले लेते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पेपर आ गया है। देखिए, आज हम आपको सब कुछ सिखा देते हैं भाई, सब कुछ सिखा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पेपर, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको नहीं आता होगा? जैसे कि मान लीजिए, इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है ना, देखिए बहुत सारा इसमें भी क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन में बोलिए कौन में ट्रिक लगाए, इसमें लगा दो ट्रिक, देखिए ऐसा वाला ही क्वेश्चन अभी अभी बताया आपको, ठीक है। चलिए इसमें ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, मतलब इसी टाइप का बताएं। ये तो दूसरा क्वेश्चन था, देखिए तीन गोबला था, ये दो ये गोबला है ना, हाँ ये दो गो दिया है, इसमें तीन गो था, ए बी सी दिया है, लेकिन इसमें ए बी दिया है। चलिए इसमें भी ट्रिक लगाते हैं, ये क्वेश्चन दो नंबर का है, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रिक सीखिए, अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता, मैथ में कुछ भी नहीं आता, तो ट्रिक सीखिए, मेरा ट्रिक एग्जाम में लगाइएगा, कभी फेल नहीं होगा। पिछले साल बहुत से विद्यार्थी सब के सब पास हो गया ट्रिक लगाया तो। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या संख्या कितना है, 12 है, 12 है, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक पेन का एक दा और काम है, हल काम हो गया, ब्लैक पेन को साइड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि इतना इतना इतना, तो पहले लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से। अब क्वेश्चन को लिखिए, यदि यदि जो दिया है सेम टू सेम लिखिए, खाली यहाँ पे ज्ञात करें कि जगह पे ज्ञात करना है लिख देंगे, ठीक है। तो यदि ए ऊपर में तीर चिन्ह बराबर क्या है, आई ऊपर में तीर चिन्ह जे ऊपर में तीर का निशान प्लस के ऊपर में तीर का निशान, तथा और यहाँ पे बी ऊपर में तीर का निशान बराबर टू आई प्लस थ्री जे प्लस के, ठीक है। इतना इतना लिखा मैंने, तो ए गुना बी, तो ए गुना बी ऊपर में तीर का निशान, इतना ज्ञात करना है लिखेंगे, करना है, या की भी लिख सकते हैं, करना है की, ठीक है। यहाँ पे ज्ञात करें, अब क्वेश्चन का काम हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो जो दिया है उसको अलग अलग करके लिखेंगे, चूंकि ए का मान दिया है, तो यहाँ पे ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, इतना लिख दिया। फिर बी का मान दिया है, बी बराबर टू आई प्लस थ्री जे प्लस के, देखिए आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन फिर भी आप इतना लिख दिया। अब तो यहाँ पे जो जो दिया है, तो ए गुना बी, एक भी आपका नंबर कट नहीं होगा ज्ञात, क्योंकि मुझे सारा चीज पता है, आपको पता है ना कि मैं बता रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं खुद नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो जाए, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वरना कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा ये सब, क्योंकि सभी टीचर नहीं चाहता कि आपको पास हो जाए, हम तो सभी को पूरे के पूरे नंबर दे के पास करते जाते हैं। अब देखिए, आपको इतना का मान ज्ञात करना है, तो पहले इसको एक बार लिखना होता है,
ए क्रॉस बी इस तरह लिख दिया। अब ए का मान पहले ए है तो ए का मान ये रहा, तो इसको लिखिए आई जे के ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या है गुना है तो गुना दीजिए, यहाँ पे छोटा भी दे सकते हैं, हम तो बड़ा दिखने के लिए दे दिए। फिर बी का मान यहाँ पे टू आई प्लस थ्री जे, सब में तीर चिन्ह दीजिएगा, तीर चिन्ह छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, बताओ नहीं लग रहा है? इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि देखने में हैंडसम लगने लगे और शादी भी यहाँ जल्दी हो जाए। हैंडसम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे? हैंडसम हैंडसम दिखाएंगे तभी इम्प्रेस होंगे आपसे कोई, तो इस तरह से लिख दिया। अब देखिए टीचर भी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, इतना अच्छा लगने लगा। अब लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः क्वेश्चन को ही लिखते हैं, अतः यदि ए बराबर क्वेश्चन को ही आई जे के जैसे जैसे है, ठीक है, तथा बी बराबर टू आई प्लस थ्री जे, क्वेश्चन को ही लिख रहे हैं, ठीक है, इतना, तो ए गुना बी ज्ञात कर दिया लिखेंगे, मैंने ज्ञात कर दिया कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन का भी आपको दो के दो नंबर मिल जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन आप कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए मान लीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, और भी कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं तो दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए प्रायिकता से प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन है। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, दो नंबर चला जाएगा भाई, तो नहीं हम किस दिन काम आएंगे, हम यहाँ क्यों आए हैं बताइए। दीजिए इसका भी आंसर दीजिए, सब कुछ आज सिखा देंगे, आप बने रहिए वीडियो पे एंड तक, ठीक है। यहाँ तक देख लिया है तो पूरी वीडियो देख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। हाँ पहले का देते हैं, पछताइएगा, एग्जाम में रोइएगा कि, और सोचिएगा गुलशन सर का वीडियो मैंने क्यों नहीं देखा, इसलिए आज बता रहे हैं, ये बार बार हम नहीं बताएंगे ये चीज, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे लिखिए, प्रश्न उत्तर संख्या, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, अगर आप अपने फ्रेंड को अच्छा मानते हैं, मतलब सच्चा दोस्ती है आप में, तो क्योंकि आजकल बहुत गद्दार लोग होते हैं, फ्रेंड के नाम पे जो है ना गद्दारी कर लेता है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, दोस्ती के नाम पे गद्दार निकल जाता है। तो आप अगर गद्दार हैं तो ये वीडियो शेयर नहीं कीजिएगा अपने फ्रेंड को, लेकिन अगर सच्चा दोस्त है, मतलब आप दोनों में दोस्ती जमता है, अच्छे दोस्त मानते हैं अपने फ्रेंड को, तो ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिएगा, आप भला कीजिएगा उनके साथ तो आपके साथ खुद भला होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए 20 यहाँ पे लिखिए, 20 हमने ब्लू पेन से लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रश्न उत्तर संख्या 20 यहाँ पे हल लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले लिखना होता है प्रश्न से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से जो दिया है वही लिखेंगे, खाली यहाँ पे लिख देंगे ज्ञात करें की जगह पे, देखिए यहाँ पे देखिए जो दिया है वही लिखेंगे, खाली लिखेंगे ज्ञात करें की जगह पे ज्ञात करना है, उसके बाद आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि हम लिख लेते हैं, यदि पी और ब्रैकेट में ए है, जैसे है वैसे लिखिए, आपको पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/2 है तथा क्या है, पी ब्रैकेट में ए और यहाँ पे ऐसे है ऊपर में उठा हुआ, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं उसका नाम क्या है, तो इस तरह लिखेंगे क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो पी और यहाँ पे बी बटे ए इस तरह से है, ज्ञात करना है लिखना आपको, करना है, ठीक है, इस तरह लिखिएगा। अब क्वेश्चन का काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो जो दिया है उसको अलग अलग करके लिखिए, क्योंकि पी और ए का मान दिया है कितना 3/8, फिर पी बी का मान दिया है कितना 1/2 दिया है ना, फिर इतना का मान दिया है पी और यहाँ पे ए ऊपर में से उठा रंग का है, ठीक है, ऐसे और इस तरह से है, तो इतना का मान निकालना है, तो P और यहाँ पे B बटे A बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए ये सूत्र पे होगा, इसका फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब आप इतने ही रहने देंगे, ठीक है, जी हाँ इतना रहने देंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा आराम से, क्योंकि जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको आपने यहाँ पे नोट किया, अच्छे से नोट किया, एक नंबर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है, आप देखिए यहाँ पे देखिए एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप नहीं जानते थे तो कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो लिख दिया एक नंबर इसमें मिल जाएगा, बाकी सब में तो दो नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए और ट्रिक लगाते हैं क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। और क्वेश्चन मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, कोनो ले लीजिए ना, क्योंकि हम तो सिखाने आए हैं, कोनो ले लीजिए कोई क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन नहीं जानते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, चलिए इसमें भी ट्रिक लगाते हैं, फिर बाकी अगला क्वेश्चन में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले स्केल लिखे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 20 है, 20 है जी, नहीं नहीं मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं, कहाँ गया ये तो 20 तो मैंने बताया अभी, ये नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 5, ऐसे ऐसे, ठीक, उसके बाद देखिए तो हल लिखेंगे, यहाँ पे ब्लू पेंस लिखिए या ब्लैक पेंस, ये तो क्या दिया है, जो जो दिया है उसको लिखना होता है, तो लेकिन अब थोड़ा दिमाग से लगा के लिखना होता है प्रश्न से, तो यदि जो दिया है उसको लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, यदि एक बराबर यहाँ पे 5-1, इस टाइप का क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाए थे इसी वीडियो में, चलिए इसमें भी सिखाते हैं, अच्छे सीख जाइएगा। तथा आपके पास जैसा भी क्वेश्चन पेपर आए अपना इस ट्रिक, यही ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हैं, बस ये क्वेश्चन अलग रहेगा लेकिन ट्रिक सेम रहेगा इतना, तो सिद्ध करें, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो थोड़ा सा और वीडियो बड़ा होगा, देख लीजिए सिद्ध करें कि, लेकिन देखिए हमने क्या लिखा, सिद्ध करें कि नहीं, हमको लिखना है सिद्ध करें कि, यहाँ हमको लिखना सिद्ध करना है कि, करना है कि क्या सिद्ध करना हमको, ए बी ए बराबर देखे इसे बीच में देखिए कट कर लेंगे, बराबर देखे इसे कट किया और बी ए इस तरह कर लेंगे, समझ रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन का काम हो गया, अब देखिए अब हम क्या करते हैं भाई साहब, अब जो जो दिया है उसको अलग अलग करके लिखते हैं, ए का मान दिया है तो ए का मान इस तरह से लिखेंगे 5-1 6-7 इस तरह से, फिर बी का मान दिया है तो बी का मान लिखेंगे 2-1 3-4 इस तरह से, और क्या दिया है तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर देखे से कट कर देंगे बी ए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे पहले क्या है, पहले क्या है, पहले ए बी है तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे। ठीक है, अब ए का मान क्या है, ये रहा, ठीक, ऐसे जो है उतार देंगे ऐसे, फिर बी का मान क्या है तो यहाँ पे देखिए गुना प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो जैसे है वैसे लिखेंगे, बी का मान ये है 2-1 3-4 ऐसे इसका हो गया। अब देखिए क्या है, बी ए है तो बी ए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब बी का मान क्या है भाई, बी का मान ये रहा 2-1 3-4 ठीक ऐसे, फिर ए का मान ये रहा लिखिए 5-1 6-7 ऐसे हो गया। अब क्या लिखना होता है, अतः लास्ट में, अतः यदि क्वेश्चन ही लिख देंगे खाली, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिद्ध कर दिया, करना है की जगह पे कर दिया, बाकी सेम टू सेम, यदि ए बराबर 5-1 6-7 तथा जल्दी जल्दी कर लेते हैं बी बराबर 2-1 3-4 तो सिद्ध कर दिया, तो यहाँ पे लिखिए सिद्ध कर दिया कि ए बी आर नॉट बराबर बी ए। इतना देखिए आप नहीं जानते थे इस क्वेश्चन का आंसर, इतना लिख दिया तो 2 के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो सॉल्व किया बिल्कुल सही सही हुआ है, कहीं पे कट क्रॉस कहीं पे गलत उलट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी कर लिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने लिया, ये तो आप नहीं जानते हैं तो इसमें भी ट्रिक लगा लीजिएगा, बताया मैंने ये तीर चिन्ह वाला बता दिए कैसे ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, और इसमें भी आप लगा लीजिएगा, जो जो दिया है लिख लीजिएगा। ठीक, इसमें भी चलो इसमें लगा देते हैं, देखिए पॉइंट वाला, देखिए ऐसा भी एगो बताए आपको। ठीक है, 2 नंबर का है, चलिए इसमें भी एक सिखा देते हैं, इसी टाइप के एगो हम बताए हैं, किधर बताए, देखिए ये रहा, यहाँ पे पी ए का मान 3/8 था, यहाँ पे 1/2 था, इस टाइप का क्वेश्चन बोले ना आता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में दिया है सब का मान, चलिए इसमें भी ट्रिक लगा देते हैं ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। ठीक है, तो पेज पलटाइए, पेज पलटाइए, और हाँ इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक रुक गया है, थोड़ा रुक जाइए, इसको भी समझ लीजिए। ठीक,
इसको भी समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, ब्लैक पेन उठाइए और यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या क्या है जो है वो लिखिए यहाँ पे। कितना है? 3 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, पहले हल लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ प्रश्न से, फिर क्या दिया है, या तो दिया है छोड़ो नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि दो घटना, जो जो दिया है वही लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में, दिख रहा है आपको ये रहा, देखिए देखिए यदि दो घटनाओं, यदि दो घटनाओं जैसे है वैसे लिखना है ए और बी के लिए, लिए फिर कोमा, देखिए आपका 70-80 नंबर कैसे आता है, एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे, पी और ए ब्रैकेट में है 0.8 है, फिर कोमा देखिए बी जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखना है आपको, ठीक है इतना, फिर पी और यहाँ पे बी बटे ए इस तरह से लिखेंगे बराबर 0.4 हो तो, देखिए ये लिखा मैंने, फिर हो तो, हो तो पी और यहाँ पे ये वाला, ठीक है ए, फिर यू जैसा है वैसे आपको मान लो ज्ञात, क्वेश्चन में ज्ञात करें तो हमको लिखेंगे ज्ञात करना है कि, अब देखिए क्वेश्चन का काम हो गया, अब इसी से देखिए क्या क्या दिया है, इतना का मान दिया है, फिर ये दिया है, ये दिया है, जो जो दिया है सबको लिखिए, चूंकि पी ए का मान क्या है 0.8 है, पी बी का मान क्या है 0.5 है, फिर पी और यहाँ पे बी बटे ए का मान क्या दिया है भाई 0.4 दिया है, निकालना क्या है तो इतना ज्ञात करना है, तो पी और यहाँ पे ए यू बी इतना ज्ञात करना है। देखिए इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक रहने देंगे, मतलब नहीं से तो हाँ हो गया ना, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर तो आराम से मिल ही जाएगा भाई, 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन में ट्रिक लगा लगा के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है जैसा मैंने बताया, तो देखिए इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं भाई, ठीक है इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, देखिए ऐसा वाला बता भी दिया है, ठीक है मतलब था वो दूसरा लेकिन ऐसा है बुलाइए, इसमें भी चलो ट्रिक लगा कर आपको अच्छे से सिखा देता हूँ, हो सकता है ये वाला किसी को वहाँ पे समझ नहीं आया हो तो यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है इसी टाइप का क्वेश्चन बताएं, लेकिन फिर से एक बता देते हैं, रुक जाइए अगर इतना देख लिया वीडियो तो थोड़ा सा रुक जाइए, बोरिंग फील नहीं कीजिए, बोरियत फील कीजिएगा तो भाई पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा बोरियत फील कीजिएगा फिर गड़बड़ वाला बात हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए इसको भी सीख लीजिए, हो सकता है उस टाइम अगर आपको समझ नहीं आया हो तो अभी समझ आ जाएगा, ठीक है चलिए प्रश्न उत्तर संख्या देखिए लास्ट है क्वेश्चन, आपको अच्छे से सिखाते हैं, कितना अच्छा है देखिए, सीख लीजिए भाई पास हो जाइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ना गणित में कमजोर है, मुझे इंस्टाग्राम पे सब कहते रहता है कि सर मैं गणित में कमजोर हूँ फेल हो जाऊंगा, तो अब फेल नहीं होंगे, मैं आ गया हूँ आपको फेल होने से बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन का काम हटाइए, जल्दी जल्दी करते हैं, देखिए क्या दिया है, इतना दिया है बस यहाँ पे ज्ञात करें, जगह पे ज्ञात करना है लिखेंगे, ठीक है तो अच्छे से चलिए लिखते हैं, प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे, यदि ए ऊपर में तीर चिन्ह बराबर -4i, देखिए -4 से शुरू होता है, +7j -11k तथा क्या है, बी ऊपर में तीर चिन्ह सब में देते जाएंगे जहां जहां जैसा जैसा क्वेश्चन में है इस तरह से, ठीक है इस तरह से, तो यहां पर कहता है ए गुना बी ऊपर में तीर चिन्ह इतना ज्ञात करें ऐसे, ठीक है क्वेश्चन का काम हो गया। अब देखिए यहां पे जो जो दिया है उसको अलग अलग लिखना होता है, पहले क्या दिया है ए का मान दिया है, ये दिया है तो लिखिए -4i +7j -11k इस तरह, फिर b का मान दिया है 10i +j +k इतना दिया है, ठीक है तो यहां पर a गुना b ऐसे ज्ञात
करना है लिखेंगे, करना है, देखिए यहां भी मैंने ज्ञात करने की जगह पे करना है लिखिए, करना है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीज ध्यान रखिएगा। अब क्या है, ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए गुना बी ऐसे लिखेंगे। अब ए का मान यहाँ पे लिखेंगे पहले माइनस फोर आई प्लस सात जे माइनस ग्यारह के, ठीक है। फिर गुना है तो गुना दीजिएगा। फिर बी का मान ये रहा दस आई प्लस जे प्लस के, इतना लिख दिया। अब देखिए अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो इसको ये ए का मान है इतना, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये एक बी का मान है तो इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, देखिए कितना अच्छा, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, देखिए कितना अच्छा लगने लगा। अब लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः यदि क्वेश्चन कोई लिखेंगे खाली ज्ञात कर दिया, अतः ए का मान जो है माइनस फोर आई प्लस सात जे माइनस ग्यारह के, तथा आप अच्छे से लिखिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा हो गया है, आप बोरियत फील करते रहेंगे, ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो ए गुना बी का मान ऐसे ज्ञात कर दिया, इस तरह से लिखिएगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, एक भी नंबर आपका कट नहीं होंगे। तो ऐसे लगाए जाते हैं ट्रिक। तो जब जब आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो आप यही ट्रिक लगा लीजिएगा, यही लिख के आ जाइएगा जो मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। और अब तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया तो बहुत बड़ी अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको पता चलेगा ना कि आप अपने वीडियो देख लेते हैं और हमको नहीं शेयर करते हैं, तो वो आपसे गुस्सा भी हो जाएंगे, दोस्ती भी आपके टूट सकते हैं। तो इसलिए अपने मित्रों को ये वीडियो भेजिए, उनको ही बताइए कि देखो भाई अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आए गणित पेपर में तो आपको ये लिख कर आ जाना है, तुम भी पास हो जाओगे। और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां आप मूर्ख हैं, समझ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा, अगला वीडियो आप नहीं देख पाइएगा तो कैसे होगा बताइए। सभी पेपर के लिए मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, सभी बच्चे फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए, एग्जाम तक मैं आपके लिए साथ खड़ा हूँ। कमेंट में बता दीजिए कि आप कितना नंबर लाना चाहते हैं अपने एग्जाम में और आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, एक बार कमेंट में बता दीजिए। और हाँ एक बात और, अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो मैं भी इंस्टाग्राम पे आ गया हूँ आपकी परेशानी दूर करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए। यहाँ पे आईडी दिख रहे हैं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिए और मैसेज कीजिए, मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी हो रहा है, किस चीज को लेके आप कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हैं बाकी बच्चे की तरह।